नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। पाकिस्तान से रिहा होकर अपने गांव अनिल साकेत रीवा पहुंचे, जहां पर उनके घर में उत्सव का माहौल है, लेकिन अनिल साकेत अभी भी सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर जेल में 4 साल से सजा काट रहे रीवा जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम छदनहाई के अनिल साकेत की रिहाई हो गई है। अनिल के साथ भारत के 320 बंदियों को विदेश मंत्रालय की पहल पर पाकिस्तान से वापस लाने का रास्ता साफ हुआ। समाचार पत्रों के माध्यम से अनिल साकेत के पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद होने की खबर प्रकाश में आने के बाद राज्यसभा सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजमणि पटेल ने उक्त मामले को संज्ञान में लेकर 15 जुलाई 2019 को स्पेशल मेंशन के तहत राज्यसभा में उठाया था। अनिल के गुमशुदा होने की रिपोर्ट उनके पिता बुद्धसेन साकेत ने 10 जनवरी 2015 को लिखाई थी। पुलिस और समाचार पत्रों के माध्यम से लंबे समय के बाद पता चला कि अनिल लाहौर जेल में कैदी है। उन्होंने विदेश मंत्री से इस मुद्दे पर तत्काल पहल करने की मांग की थी। संसद में प्रश्न उठने के बाद विदेश मंत्रालय ने पत्र व्यवहार कर पाकिस्तान में कैद अनिल साकेत सहित 320 भारतीयों को रिहा करा लिया है। अनिल साकेत 13 सितंबर 2020 को रिहा होकर 14 सितंबर को बाघा बॉर्डर पहुंचा, जहां चाचों के उपरांत 16 सितंबर को मध्य प्रदेश के 111 कैदियों को 3 बसों में लेने गई मध्य प्रदेश की पुलिस केवल और केवल अनिल को वापस लेकर लौटी, क्योंकि अनिल के साथ रिहा हुए सारे लोग किसी अन्य साधन से अपने अपने घरों को रवाना हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट HBN न्यूज। ताकि पाकिस्तान में ही मतलब वो छूट गए हैं, तो हम उनको लेने गए थे, तो हमें वो पता चला कि वो निकल चुके हैं अपने अपने साधनों से, और जो कोई प्लान किया होगा उन्होंने फ्लैट से जो निकल आए थे, लेकिन हमें कोई नहीं मिला था, केवल हमें अनिल दिखा था वहाँ पर। इनको आप लेने नहीं गए? इनको लेने नहीं गए थे हम, तो ये तो एक दिन पहले ही जस्ट हम 15 को पहुँचे वहाँ, ये 14 को वहाँ से रिहा होके आ गए थे 14 तारीख को। तो 14 तारीख को आ गए थे रिहा होके, तो हमने जो कोविड सेंटर का हेड था तो उन्होंने बताया था कि सर यहाँ पर कोई 111 लोग नहीं है, लेकिन एक लोग जरूर है जो कि रीवा का रहने वाला है, तो थोड़ा मंदबुद्धि बताया जा रहा है। तो हमने वहाँ जाके देखा इनको, तो हमने सोचा कि जब हम आए हैं तो इनको अपने अपने भाई MP का है, तो हम भी MP के, तो हम लेके चलते साथ में। तो हमने ADM सर से बात की थी, तो ADM सर से बात करने के बाद उनसे आदेश बनवाया, तो हम इनको लेने के लिए फिर लेके आ गए हम ग्वालियर। अब ग्वालियर द्वारा से आदेश बनवाया, ADM साहब से बोला हमने कि एक और आदेश बनाओ, तो सर उन्होंने बना दिया और आके हम। अच्छा, 2-3 दिन आप साथ में रहे हैं अभी? बिल्कुल सर, मैं 3-4 दिन से साथ में। चर्चा नहीं, इनसे बात हुई तो नाम बता देता है, भैया का नाम बता दिया था, पापा का बता दिया था, और फिर बस खाने की बता देता है, खाना खाना है और पानी पीना है और टॉयलेट की बोल देता है, बस इसके अलावा वो नहीं बोल रहा है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया हुआ है इसको, शॉट वगैरह दिए हुए हैं, क्योंकि लाहौर की जेल में 4 साल रहना कोई आम बात नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है। कैसे काटे होंगे यही जाने, बता रहे हैं कि इससे पहले इसकी शादी भी हो चुकी है, और थोड़ा न्यूज़ से ही मिला था मुझे कि शादी हो चुकी है और 3 साल से इसकी बीवी चली गई है, और अब जब शादी हुई होगी तो शायद ऐसा नहीं होगा, जी अच्छा होगा तभी शादी होगी। आप कहाँ सर? मेरा नाम आरक्षक 29 बंटी बघेल सर, मैं ग्वालियर से हूँ, गिरजला मेरा मुरैना है सर, और अभी 2018 के बैच में भर्ती हूँ। कहाँ ग्वालियर की थाना? ग्वालियर सर पुलिस लाइन में, अभी मुझे थाना नहीं मिला है। अभी आपको ये निर्देश नहीं मिला कि कहाँ लेके जाना है? अभी कोई निर्देश नहीं मिला मेरा सर, TI सर से बात हो चुकी है, तो मैंने उसे बताया, उन्हें बताया कि मैं SP ऑफिस जा रहा हूँ सर, तो मुझे जैसा भी दिशा निर्देश देंगे आप जैसा सर कार्रवाई आगे करा। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देखते रहे HBN न्यूज।